हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फाजिल एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल क्रेजी गार्डनिंग। तो फ्रेंड, आज मुझे एडीनियम का दूसरा पार्सल रिसीव हुआ है और ये भी मैंने काफ़ी दिन पहले ही बुक कराया था, लेकिन थोड़ा सा आने में डिले हुआ लॉकडाउन की वजह से। और ये मैंने जो बुक कराया था, ये आयान नर्सरी है कोलकाता में, उन्हीं की तरफ से मैंने ये बुक उन्हीं से मैंने बुक कराया था। और ये पार्सल के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि नॉन स्पॉन्सर्ड है, इसके लिए भी मुझे खुद को ही पे करना पड़ा है। और पहला वाला पार्सल जो था वो मैंने पूर्णिमा ग्रीन नर्सरी कोलकाता से ही किया था। तो अगर आप लोगों ने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख लें। और ये जो दूसरा पार्सल है, ये अयान घोष नर्सरी यानी कि दूसरी नर्सरी से था, क्योंकि इनके पास थोड़े डिफरेंट कलर्स थे तो मैंने यहाँ से रिसीव किया, मतलब यहाँ से ऑर्डर दे करके मैंने रिसीव किया है। तो देखिए, पैकिंग तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया हुआ है और काफ़ी लिखा हुआ भी है, लाइव प्लांट इनसाइड, हैंडल विथ केयर, प्लीज़ डोंट डिले एंड प्लीज़ डिलीवर सून, टॉप मोस्ट अर्जेंट पार्सल। ये आप देख सकते हैं, प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट। एक्चुअली मैंने इनको व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन इन्होंने बोला कि आप व्हाट्सअप से ना करके हमारी वेबसाइट से जा करके जो है ऑर्डर दीजिए। तो मैंने इनकी वेबसाइट से जा करके ऑर्डर दिया। और अगर आपको भी ऑर्डर देना है तो मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ये इनकी वेबसाइट है, तो यहाँ से जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस पार्सल में जो उन्होंने भेजा हुआ है उस एडीनियम की क्या हालत है या किस तरह के प्लांट उन्होंने भेजे हैं। तो चलिए मैं आपके सामने लाइव अनबॉक्सिंग करता हूँ और जो भी रिव्यू है इसका वो आप लोगों के सामने खुद रहेगा ही कि इसके अंदर क्या निकलता है। तो चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इन्होंने पैकिंग तो अच्छे से किया हुआ है, लेकिन देखना ये है कि मटेरियल कैसा है, क्योंकि हमें पैकिंग से ज़्यादा मटेरियल में इंटरेस्ट है। हमारी असली चीज़ तो वो मटेरियल ही है ना, जो हमने ऑर्डर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है पैकिंग भी अच्छी हो और मटेरियल अच्छा नहीं निकलता। तो ये निकलता है हमारे पास पहला प्लांट, देखते हैं इसमें इसका कोडेक्स कैसा है और प्लांट की क्या हालत है। देखिए फ्रेंड, बहुत ही ब्यूटीफुल कोडेक्स है इसका, वाओ वेरी नाइस। देखिए फ्रेंड, ये 177 नंबर का है और इसका जो कलर कोड है, ये कलर कोड का जो कलर है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा कोडेक्स। आप फ्रेंड देखिए, कोडेक्स बहुत ही प्यारा कोडेक्स है इसका, ये काफ़ी मेच्योर प्लांट है। और देखिए यहाँ पर ये जो है नए इसमें बर्ड्स भी बनने शुरू हो गए, ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है, बहुत ही हेल्दी, बहुत बढ़िया। ये फ्रेंड ये दूसरा प्लांट है इनका, इसका कोडेक्स कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, बट ठीक है, ये 194 नंबर है इसका, 194। और इसका जो कलर कोड है वो 202 है। फ्रेंड यहाँ देखिए, 202 फ्रेंड इनके कोडेक्स देखिए, और प्लांट कितना हेल्दी है। लीव्स तो खैर ड्रूप कर ही जाती हैं, लीव का तो कोई मसला नहीं है, लीव तो वैसे भी अगर आप प्लांट को रखेंगे तो लीव्स तो निकालना ही बेटर है, लीव्स से तो कोई मसला नहीं है। लेकिन प्लांट ये है कि जब भी आप पार्सल हों, और हाँ फ्रेंड एक बात और, जब भी पार्सल आप रिसीव करें तो एक बात ये ध्यान रख लें कि इसमें कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं लगी है। लेकिन अभी तक तो ये मैंने 3 अनबॉक्स किए हैं और तीनों काफ़ी अच्छे एडीनियम हैं।
ये भी अच्छा है, वेरी नाइस। इसका है 200, 200। इसका कलर कोड है 200। और ये मैं सभी के जो कलर्स हैं वो मैं स्क्रीन पर दूंगा, आप वहीं से देख लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो आप भी इनसे ऑर्डर करके, जो मैंने ऑर्डर आपको दिया है स्क्रीन पर है, आप इनसे मंगा सकते हैं। अब तो लॉकडाउन भी ओपन हो गया है तो ये मतलब जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। इसका कोडेक्स थोड़ा छोटा है बट ठीक है। देखिए फ्रेंड, इसका कोड है 201। तो मैं अभी दोबारा दिखाना चाहता हूँ सभी को इनके कोड के साथ में। ये 201 है, 200, 202, 194, 177, 177, 194, 202, 200, 201। तो फ्रेंड ये मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ इस पार्सल से। और इनके कोडेक्स आप देखें फ्रेंड, काफ़ी मेच्योर हैं, और जो कम मेच्योर हैं वो भी लग रहा है कि उनकी जो एज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बहुत नए हैं, लेकिन आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद दिस पार्सल। तो फ्रेंड, क्योंकि जैसे अभी मुझे पार्सल ये रिसीव हुआ है तो 2 से 3 दिन के लिए, तो क्योंकि अभी ये ट्रैवलिंग से आ रहा है तो प्लांट जो है वो काफ़ी शॉक्ड में होता है। तो 2 से 3 दिन के लिए मैं इसको किसी वेंटिलेटेड एरिया में रखूँगा, ताकि इसमें जो इसमें तो थोड़ा एरिएशन हो जाए और प्लांट थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाए इस वजह से। और फ्रेंड, पार्सल रिसीव करने से रिपॉटिंग तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। और किस तरह से एडिनियम के लिए एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, वो सब मैंने उसी वीडियो में कवर किया है। और चाहें आप तो वो वीडियो देख लीजिए, वो परफेक्ट सॉइल मिक्सचर है। और इस तरह का सॉइल मिक्सचर मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया जाएगा। और वो भी मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके उसको आपको दिखाया है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें डालने चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आप एडिनियम खरीद रहे हैं और उनको आप ग्रो करना चाहते हैं, तो उस तरह की ही सॉइल में आप ग्रो कीजिए, और वो 100% जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो थम देना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय।